सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। नागेंद्र सिंह नारगी जीवनाथ पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। देश की सेवा हेतु सैनिक बनकर देश की रक्षा की है और आज भी समाज की रक्षा एवं न्याय कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। अभी हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी हैं, जो पहले नरगिस जीवनाथ पंचायत के सरपंच रह चुके हैं और हमेशा से इनके अंदर समाज सेवा की भावना रही है और देश की सेवा भी कर चुके हैं। एक रिटायर्ड फौजी हैं, इनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। हम जानना चाहते हैं कि आजकल क्या कुछ चल रहा है समाज सेवा, वो बताया जाए। मैं तो पहले आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, किसी धर्म और जाति से नहीं होना चाहिए और हम सभी भाई मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से ही हमारी आगे की विकास हो सकती है और तमाम भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मत के मत आपका है और आप मत जाकर दें ताकि आपका नाम हो कि हाँ इन्होंने मत किया है समाज के लिए, देश के लिए और भाईचारा का परिचय देते हुए मतदान करें। बहुत अच्छी आपकी भावना है, अभी भी आप समाज को जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके मत का अधिकार बता रहे हैं और अभी समाज में आप जिस पंचायत में रह रहे हैं उस पंचायत में अभी कुछ समस्या है बची हुई? समस्या तो अनेकों है, समस्या से कोई अभी रूबरू सब कोई है लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। धरातल पर अगर कोई भी काम अगर होता है तो उसे हर व्यक्ति कहता है कि यहाँ कार्य हुआ है, हैं। लेकिन अभी जो है हमारे पंचायत के अंदर में नल जल पिए जल का जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही नहीं है। बहुत हमारे ऐसे वार्ड है जहाँ पर अभी पिए जल का भी दिक्कत है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। मैं यही आशा करूँगा कि जो भी आने वाले प्रतिनिधि बने, मुखिया बने, वो इस कार्य को जो है सफलतापूर्वक देखें और करें। चलिए, आपके मैसेज को सिटी न्यूज़ टुडे जन जन तक पहुंचाएगी और आपने जो पाठ पढ़ाया है जागरूकता का, मत अधिकार का और पेयजल का, तो ये सब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जागरूक जनता हो और जो मुखिया या वार्ड है उनके यहाँ नल जल योजना जो कंप्लीट नहीं हुई है वो नल जल योजना को अतिशीघ्र कंप्लीट करें, यही नागेंद्र जी का कहना है। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।